रमजान के मौसम में बुराइयों से रोकने का भी जज्बा पैदा होता है। आप अगर दाढ़ी रखे हुए हैं, मिसाल के तौर पर मिसाल दे रहा हूं, और दाढ़ी टोपी सब कुछ है, रमजान का महीना, आप पानी पी के दिखाइए मुसलमानों के मोहल्ले में, लोगों के सामने, सब बोलेंगे, सबके हाथ, सबकी उंगली उठ जाए, है कि नहीं। आप इसको महसूस कीजिए कि आप मुसलमान के मोहल्ले में हैं और मगरिब से पहले का वक्त है, या ऐसा वक्त चहल पहल बहुत ज्यादा है, आप गिलास का एक गिलास में पानी लेके खड़े हो जाएं और आप पीना, एक मैंने मिसाल दी ताकि उसको मुबालगे के लिए कि दाढ़ी वाले हों, टोपी वाले, मतलब आम आदमी भी, आम मुसलमान भी जो लगता है, लेकिन अगर टोपी दाढ़ी वाले खड़े हो जाएं और रमजान के महीने में पानी पीना चाहें, 10 लोग आपको 50 लोग डांटेंगे, क्या कर रहे मौली साहब, के पानी पी रहे, मुसलमान रोजा नहीं रखे, ये वो दुनिया की बातें आपसे करेंगे। आप रमजान, अच्छा आप नमाज नहीं पढ़ते हैं, कोई नहीं पूछता आपसे, पूछता जल्दी कोई, क्योंकि दिखता भी नहीं और पूछता भी नहीं कोई, लेकिन अगर आप पानी पीना शुरू करेंगे तो सब लोग बोलेंगे। तो मैं ये कह रहा था, उसमें नुकता ये है कि रमजान का महीना बुराइयों से रोकने की भी आदत डालता है, कि मुआशरा महसूस करता है कि ये बुराई है, इसको रोकना चाहिए। तो ये